हमने रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का काम कई वर्ष पहले, जैसा बताया, ये हमने शुरू किया था। हर एक इंच ऑफ लैंड ये हमारी डिजिटलाइज रिकॉर्ड में आ जाए और उसका उपयोग हम समय समय पर जिस भी विभिन्न प्रकार से करना है वो उसको हम कर सकें। चाहे हम यूएलबी के माध्यम से, पंचायती राज एसोसिएशन के माध्यम से, जो हमारी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होती हैं उसको हम ठीक से ईयर मार्क कर सकें कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हमारी गलत हो रही है, या कई बार ये बाउंड्रीज के झगड़े रहते हैं उसको हम जीआईएस मैपिंग के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकें। कितनी ज़मीन किसकी है और टोटलिटी में हम उसकी यानी जानकारी रख के यदि हमको प्लानिंग भी बनानी है तो हम प्लानिंग बना सकें। आखिर हर दिन हमारी आवश्यकताएं ये बदलती रहती हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके माध्यम से भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें अभी डिपार्टमेंट्स के आपस में मेल नहीं खाती हैं क्योंकि कॉमन रिकॉर्ड सब जगह का नहीं है। अलग अलग विभाग अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं, एग्रीकल्चर का कोई अपना रिकॉर्ड है, रेवेन्यू का अपना कोई रिकॉर्ड है, तो ऐसे सारे रिकॉर्ड्स को और एक दूसरे का तालमेल करते हुए हम एक साइंटिफिक तरीके से इसको रख पाए, ये सारा जीआईएस लैब के माध्यम से ही ये सब हो पाएगा। हर बार हम इन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी नई नई योजनाएं बनाते हैं। योजना पक्ष, प्लानिंग का जो एक पक्ष है, वो भी ये रिकॉर्ड्स हमारे ठीक होंगे तो बहुत आसानी से बन सकता है। तो ऐसे बहुत से लाभ हमारे इस जीआईएस लैब्स के होंगे। आगे चल करके ट्रांसपेरेंसी सब जगह आए, ऐसी सारी चीज़ें हमने जो यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये आगे बढ़ाई हैं, ई गवर्नेंस के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। अभी 2 दिन पहले एक डाटा में पढ़ रहा था कि हरियाणा को जितने प्रकार के अवार्ड्स मिले हैं वो अवार्ड्स लगभग 148 अवार्ड्स की सूची मेरे पास आई। डिपार्टमेंट वाइज मैंने जब उसको उसकी काउंटिंग करवाई है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, इसके 100 के लगभग अवार्ड्स केवल इसके हैं, ई गवर्नेंस के। तो मैं इस सारी टीम को उस नाते से बधाई देता हूँ।